क्या नाम है आपका? मर्जीना। मर्जीना, कहाँ के रहने वाली हो आप? कलकत्ता। तो अम्मा, क्या उम्र है आपकी? हमारा उम्र 70 है। तो ये बताओ, इस उम्र में क्यों आप ये कूड़ा करें? मैंने देखा आपको कूड़ा वहाँ करते हुए। क्या पेट के लेकर था सब दुनिया है, कोई देखता नहीं है। लड़की लड़की होता था देख लेता, आदमी है ही नहीं। दोनों बच्चा वो शादी उदा कर ससुराल का घर में, क्या करते। तो जो बेटे हैं आपके वो कहाँ पे हैं? ससुराल का घर में है। अच्छा, आपके पास ही रहते आपके बेटे? नहीं, क्या करें। तो एक दिन में कितने पैसे कमाते हो अम्मा? तो बोल रहा कभी 100 हो जाता, कभी 150 होता। और जब लॉकडाउन चल रहा था तब आपने कैसे किया? वो आता नहीं, लॉकडाउन में कोई चाल फल दिया था वो खा लिया। अच्छा अच्छा, तो 70 साल की उम्र में ऐसे करते हो आप? पेट तो चलना पड़ेगा, वही तो थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अगर हम आपको कुछ दिला दे, राशन वगैरह, तो ले जाएंगे आप? कुछ आपका महीने में काम हो जाएगा। हाँ। बेटा समझ लीजिए मुझे अपना। हाँ। कहाँ से दिलाएं आपको सामान, बताइए कहाँ से दिलाएं आपको राशन, कहाँ से दिलाएं? अच्छा चलो ठीक है, दुकान पे चलिए, मैं आपको राशन दिलाता हूँ। ठीक है भाई, चावल दो 5 किलो। और बताइए क्या चाहिए? दाल थोड़ा दे। दाल आधी आधी किलो, 3-4 दाल दे दीजिए भाई। आटा दे दिया, चावल हो गया, चीनी होगी, चाय की पत्ती होगी, एक तेल दे दीजिए। सरसों का तेल कौन सा लेते हो? वो सरसों का तेल। सरसों का तेल, एक सरसों का तेल दे दो भैया। ऊपर वाला तुम्हारा माला करेगा, बाल बच्चा सरसों। जी जी बिल्कुल, बस दुआ दो। इसीलिए हमने आपको देखा ना वहाँ पे, क्या वहाँ कूड़ा बीन रहे थे, और मैंने सोचा 70-80 साल की उम्र है आपकी, और 70 साल की उम्र में तो आराम करने का वक्त है। आप इस वक्त में भी नसीब में नहीं बैठा, क्या करूँगा। परेशान मत हो, देखो आपके दो बेटे आपको नहीं पूछते, अल्लाह ने एक बेटा तो भेज दिया आपके पास में। हाँ, अल्लाह में देता, वो सबसे बड़ा है ना। हाँ। वो दिलों के हाल जानता है। जी जी जी, लीजिए चीनी हो गया। अम्मा हो गया आपका सारा का सारा सामान हो गया? चावल चाहिए ना? अच्छा, चावल के लिए पैसा चाहिए आपको? अभी हम करते हैं कुछ। अच्छा थैंक यू भैया, आपका ये पूरा सामान हो गया अम्मा। अच्छा ये लीजिए, ये 1000 रुपया है, ठीक है ना? चावल आ जाएगा? हाँ। अच्छे से आ जाएगा ना? हाँ। कम से कम 10 दिन घर पे बैठो हमारे कहने से, ठीक है ना? 10 दिन आराम करो, मैंने आपको पैसा दिया है, सामान दिया, इतने में आपका हो जाएगा। उसके बाद में मैं आऊँगा भाई के पास में, अगर मुझे आप फिर मिले तो मैं फिर मदद करूँगा आपकी, ठीक है ना? और दुआ कीजिए, ठीक है ना? वो अल्लाह में आपको करा दे। और बच्चे हैं ना, उनके लिए भी दुआ कीजिए, उनको हिदायत दे अल्लाह, वो तुम्हारे पास आए दोबारा से। अल्लाह में तुम्हारा बाल बच्चा सब सीखी देगा।